हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे कंटिन्यू करने से पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, वो डायरेक्ट वैल्यूज बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटोन में हमें पता है मास ऑफ प्रोटोन ज्यादा होता है। हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है और प्रोटोन का मास भी पता है। तो अगर हम फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम पहले से ही थोड़ा आइडिया ले लेंगे कितना भारी है, तो वो क्या है, जो मेरा मास ऑफ प्रोटोन है वो के इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स भारी है। मतलब कि अगर मैं 1837 इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, उसका मास एक प्रोटोन के इक्वल होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोन हमारा एक प्रोटोन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है। ठीक है, अगली बात क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटोन। देखो, रेडियस ऑफ प्रोटोन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 10^-15 मीटर होती है। ठीक है, ये तुमसे कोई जन पूछेगा नहीं, लेकिन हमें क्या, कई बच्चों को क्या होता है कि हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए या उनके माइंड में रहता है कि ये क्या हो सकता है। ये उनके लिए है कि उन्हें, मतलब अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले तो वो सीधा बोल दे, मतलब उन्हें अंदर से खुशी होती है कि भाई हमें ये फैक्ट पता है। तो अगर तुम्हें नोटबुक पे लिख लोगे तो तुम्हारा फायदा भी है, कभी अगर रिवाइज कर रहे होगे नोट्स तुम्हें वैल्यू दिख जाएगी, तो थोड़ा मेमोराइज भी हो जाती है वैल्यूज। ठीक है, आपने सामने रख, देखो अब है 4 मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस दिन मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन कई बच्चों के माइंड में वही बात है कि रह जाता है कि हमें पता नहीं है। तो अगर मैं 4 मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं तो वो क्या होता है, -1.76 × 10^8 कूलम पर ग्राम। कई बुक्स में ये कूलम पर केजी दे रखा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, -1.76 × 10^8 कूलम पर केजी। ठीक है, अगली बात आ रही है 4 मास रेशियो ऑफ प्रोटोन, वो क्या आता है, 9.58 × 10^4 कूलम पर ग्राम, या मैं क्या कह सकता हूँ, 9.58 × 10^7 कूलम पर केजी। ठीक है, वो हम यूनिट्स होती है, वो तो इंटर कन्वर्ट करना तुम्हें आता है ग्राम से केजी में। अगली बात क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी टर्म्स है ना, अगर मैं अलग अलग करते हैं ना तो हमारे माइंड में डिफरेंस नहीं याद रहता, इसलिए मैंने सबको इकट्ठे लिख दिया। और उसके बाद हम क्या, उनकी डेफिनेशन से ही क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं उनको भी हमने इसी के अंदर ही कवर कर लेना है, ताकि तुम्हारे माइंड में कंपैरिजन रहे सबके बीच में। ठीक है, सबसे पहली बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, बहुत सिंपल है, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, ठीक है, और फ्लोरीन नेगेटिव है, तो देखो ऑक्सीजन में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं न्यूट्रल ऑक्सीजन की बात करूं कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं 8। ठीक है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, 8 + 2 कितने हो गए, 10। मैंने तुम्हें बताया था उस दिन कि अगर माइनस चार्ज है उसका मतलब क्या है, इसमें जितने न्यूट्रल में होने चाहिए थे उससे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब यहां पर क्या है, न्यूट्रल में मेरे कितने होने चाहिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन में तो न्यूट्रल में मेरे 8 होते हैं, तो +2 10 हो गया। या फ्लोरीन में न्यूट्रल में मेरे 9 लेकिन +1 10, तो इन दोनों में मेरे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ गए, 10। तो ये दोनों मेरे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स। तुम बहुत पढ़ रहे हो लेकिन देखो तुम्हें ये चीज पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब सेम जेड एंड डिफरेंट ए, ये तुम्हें पता है। लेकिन इसको यूज करके एग्जामिनर तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, तो तुम्हें इस चीज पर ध्यान दो, वो तुमसे इस, तुम्हें ये डेफिनेशन पता है लेकिन हमारे माइंड में आता है कि हमें उसके, हमें क्या बनाना है कि एग्जामिनर इससे क्या क्वेश्चन बना सकता है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो निकाल लेंगे, ताकि तुम्हें एग्जाम में दिक्कत ना हो। आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया, सेम एटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो उससे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहा हूं बोलो, तो उसमें इसका मतलब क्या होगा, अगर सेम जेड है मतलब क्या, सेम प्रोटोन भी होंगे, क्योंकि हमने उस दिन बताया था एटॉमिक नंबर और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसको हम बोलते हैं जब इसका दूसरा आइसोटोप हो जिसका मास नंबर क्या हो, 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन 1H1, मतलब इसमें मेरा क्या आ रहा है, देखो मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। अगली बात आती है आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होता है, डिफरेंट जेड होता है लेकिन सेम ए होता है, मतलब डिफरेंट हमारे क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। तो देखो अब इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे इसके अंदर देखो डिफरेंट जेड से मतलब मेरा क्या हो गया, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाद क्या आया, सेम ए है, अगर सेम ए है
z डिफरेंट है तो इनडायरेक्टली देखो मेरा जो z होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकता हूं मैं, और जो मेरा a होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अगर मेरा ये चीज डिफरेंट हो गई और मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरा सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल में देखो, अगर मैं बोलूं 6C14 और 7N14, इसमें देखो तुम्हारा क्या है, ये डिफरेंट है, तुम्हारा क्या एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं पूछूं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या सेम है या डिफरेंट, तो देखो इसके अंदर अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूंगा मेरे कितने आएंगे 8, और इसमें अगर मैं निकालूंगा तो मेरे कितने आएंगे 7, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। अब तुम्हारे से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या क्या चीजें सेम होती है, तो अगर वो मल्टीपल चॉइस दे रहा है तो उसके अंदर हमारा क्या हो गया, सेम सेट होता है, और इसमें क्या होता है, सेम प्रोटोन होते हैं, इसमें अगर सेम की बात करें तो सेम मास नंबर होता है, और क्या होता है सेम, और कुछ भी नहीं होता सेम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो रिलेट करके चलोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो और मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन फिर सेम उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एग्जामिनर तुमसे क्या पूछ सकते हैं कि आइसोटोन्स में हमारा सेम नंबर किसका होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें याद कर, याद क्या, तुम्हें एक तरह से बस देखो एक एक एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम्पल याद रखोगे तो अपने आप ही तुम उसका सब कुछ डाटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या, इसमें देखो हमारा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, कैसे हुए, देखो कार्बन में मेरा क्या है, कार्बन में मेरा ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, दोनों क्या डिफरेंट, और अब सेम क्या है इसके अंदर, सेम हमारा क्या है, इसके अंदर 40 में 6 गए 8, 60 में 8 गए 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे इक्वल है। न्यूट्रॉन्स मैंने कैसे निकाले दोबारा बता देता हूं, देखो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगला क्या है हमारा, आइसोडाइफर्स, इसका मतलब क्या है, जिनमें सेम आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर मतलब क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू जो हो वो सेम हो। इसके एग्जांपल क्या है, देखो 92U235 और 90TH231, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमारा देखो अगर मैं अब निकालू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे इसके अंदर कितने हैं, तो क्या आएंगे 235 माइनस 92, तो वो मेरा कितना आ जाएगा 143। इसके अंदर अगर मैं निकालू 231 माइनस 90, तो वो मेरा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 141। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मुझे पता ही है कितने है? 92, इसमें कितने 90, तो मेरा अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 51, और ये भी क्या आ जाएगा 51। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइसोडाइफर्स में क्या होता है, सेम आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, आइसोटोपिक नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू, वो होता है आइसोटोपिक नंबर। तो तुम्हें क्या एक एक सबका एग्जांपल याद रखना है, और मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी बता दिया कैसे फ्रेम कर सकता है, कि देखो तुम्हें ये सबको पता है क्योंकि वो डेफिनेशन होती है, लेकिन उसके अंदर से हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम सोचने बैठेंगे तो काफी टाइम भी निकल जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछ, हमारे माइंड में सीधा अगर क्वेश्चन आ गया कि आइसोबार्स में क्या सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, या पूछ ले वो आइसोटोप्स या आइसोटोन्स में क्या सेम होता है, तो वो चार ऑप्शन देगा, तो हमारे माइंड में अगर यही रहता है तो हम सोच नहीं पाते, लेकिन और हम क्या नन ऑफ दिस कराते, लेकिन वहां पर सेम न्यूट्रॉन्स का भी ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने चारों को इकट्ठे लिख दिया, ये तीनों तो बिल्कुल इकट्ठे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को अगर अलग से मान सकते हैं, और आइसो डाइफर तो मैंने बता ही दिया। इन तीनों को बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने तुम्हें अभी बताया है कि कई बच्चों के माइंड में क्या होता है कि वो थोड़ा एडिशनल, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उन्हें क्या होता है कि कहते हैं कि हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए, मतलब कहां अप्लाई कर पा रहे हैं। तो हम एक आधे रोज हर एक लेक्चर में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक एक ऐसा कंसेप्ट हम डेली लाइफ में यूज करवाने, मतलब करने की कोशिश कर सके, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चीज कहां यूज हो रही है, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहे। जैसे अभी बात करो, अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं टेलीविजन पिक्चर ट्यूब की क्या है,
अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, या कोई तुमसे पूछ ले कि जो तुम्हारे घर में टीवी है उसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम टेलीविजन पिक्चर ट्यूब बोल रहे हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा था कैथोड रे में, मतलब क्या होता है, हमारी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो हमें टेलीविजन पिक्चर ट्यूब बोल रहे हैं ना, इसके अंदर क्या एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिस पर क्या हमारी कैथोड रे स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद फ्लोरोसेंस होती है, जो फ्लोरोसेंस होती है वही कन्वर्ट किस में जाते हैं, जो हम टीवी में देख रहे होते हैं वो यही प्रिंसिपल पे फॉलोड होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम, ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई पूछ रहा है या मतलब, लेकिन कई बच्चों को होता है कि हमें पता होना चाहिए, मतलब उनको बहुत एंथुसियाज्म होता है कि हर चीज हमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसलिए जो भी मैंने तुम्हें पहले भी वो ऊपर जो वैल्यूज लिखी है मैं नहीं लिखता वैसे, लेकिन कई बच्चों के माइंड में रह जाता है कि ये वाली चीज हुई नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पर कवर किया। अब जैसे कई बोल देते, मतलब ये वाली बात लगा लो, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसने गोल्ड ली, वही क्यों लिया गोल्ड ले, और कोई भी सकता था, लेकिन उसके पास उस टाइम पर देखो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसे ऐसा चाहिए था जिसको हम बिल्कुल थिन शीट्स में कर सके, तो उसको उस टाइम पर गोल्ड से ही किया, बाकी अभी भी हम और कोई इसी से भी कर सकते हैं जिसको हम बहुत थिन कर सके अराउंड डायमीटर। और अगर बात करें कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, देखो रदरफोर्ड जो था वो क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स पर ही काम कर रहा था, उसके उसे उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक है, और वो हमें पता भी है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी भी होते हैं, मतलब उनका मास भी हैवी होता है, तो उस टाइम पर उसने अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया, क्योंकि उसके बारे में उसको काफी नॉलेज थी और वो उससे ट्राई कर रहा था और उससे हो गया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में कईयों के माइंड में रहता है कि हमने मतलब ये ऐसा क्यों यूज किया है, तो इसलिए मैं आज तुम्हें बता रहा था कई, क्योंकि कई बार बच्चे क्या फोन करके या मैसेज करके क्या पूछ लेते सर ये क्यों किया, इसलिए हम डेली क्या करेंगे बच्चों के क्यूरोसिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी एक करके ऐसे आंसर करते जाएंगे और अपना सिलेबस कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने पिछली क्लास में क्या कर लिया था, हमने प्लैंक्स थ्योरी की थी, प्लैंक्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, E is equal to n h nu, अगर हम 4 n photons की बात कर रहे हैं और अगर हम 4 1 photon की बात कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था, E is equal to h nu, बहुत बढ़िया हमने पढ़ा था। प्लैंक थ्योरी ने तो धमाका मचा दिया था कि भाई कितना बढ़िया कंसेप्ट दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय 0.5 मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो हमारा क्वेश्चन में उसने क्या दे रखी है, हमें पावर दे रखी है। सबसे पहली बात पावर क्या होती है, तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा पावर क्या होती है, एक तरह से लगा लो अगर मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, जूल पर सेकेंड। तो अगर मैं बोलूं एक वोट क्या होता है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, 1 जूल या जूल पर सेकेंड, ठीक है, हम 1 वोट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। तो अब इसने क्या बोला है कि हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय 0.5 मेगा मिलीवोल्ट लेजर ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर। अब देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक सेकेंड में मेरा जो ये लेजर है वो 1 जूल की एनर्जी एमिट कर रहा है। अब देखो अब वैसे अगर मैं फोटोन का फॉर्मूला होता है मेरा वो क्या होता है, एन एच सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे क्या निकालना है, पावर, पावर मेरा क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही हो गया, यही अभी हमने क्या पढ़ा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो मेरा क्या हो गया, एन एस सी बाय लैम्डा इनटू टी, यही हो गया। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड, अगर वो ये पूछ रहा है ना हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड तो इनडायरेक्टली वो मुझे क्या पूछ रहा है, रेट। तो रेट हमारा क्या होता है कि हम पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकाल लेते हैं कि कितनी एमिशन हो रही है। तो अगर मेरे से वो डायरेक्ट पूछ देता व्हाट इज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो इनडायरेक्टली वो मेरे से क्या पूछ रहा है,
एन बाय टी की वैल्यू। बस तुम्हें क्या पावर दे रखा है, एच दे रखा है, सी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। पावर क्या दे रखा है मुझे, 0.5 मेगा वोट। तो इसको हम वोट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, 0.5 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 3, क्योंकि हमें क्या मिली वोट दे रखा है, मिली वोट के लिए 10 रेस्ट पर माइनस 3 होगा और विच इज इक्वल टू एन बाई टी एस सी बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट पर 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 620 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 9। ये तुम्हें निकालना है क्योंकि उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो अगर हम पर सेकेंड की बात निकाल रहे हो तो हम क्या करते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहां पर लिया और आंसर तुम्हारा आ। देखो हम इसको एक तो इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसकी कैलकुलेशन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर ले। तो अब देखो ये मेरा क्या दे रखा है, पावर दे रखी है, पावर मेरी कितनी दे रखी है, 0.5 मिली वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस 3 वोट। और ये मेरा क्या होता है, 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 जूल पर सेकेंड हो गया। इसी को अगर मैं क्या कर दू, 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 को डिवाइड किससे कर दू, 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पर सेकेंड। मतलब मैंने क्या कर दिया, पावर की क्या यूनिट को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये मेरा कितना बन जाएगा, 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 एन बाय टी इंटू 1240 डिवाइडेड बाय 520 620। ये मैंने फॉर्मूला तुम्हें कराया था, तो एन बाय टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19 और इंटू 2। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ एमिशन आ जाएगा या एमिशन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में तुम्हारे वो कैसे पूछ सकता है, पावर दे देगा तुमसे, क्या पूछ लेगा, क्या निकालना है, रेट ऑफ एमिशन निकालना है, या डायरेक्टली पूछ लेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो इनडायरेक्टली वो तुमसे एन बाय टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। एनर्जी क्या होता है, एन एस सी बाय लैम्डा। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दो डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या होता है, एन बाय टी हमारा क्या होता है, रेट। तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, फोटो डिसोसिएशन। देखो ये हमारा क्या है, प्लैंक्स थ्योरी का ही एक तरह से एक एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पर यूज करके न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, देखो सबसे पहली बात है कि फोटो डिसोसिएशन क्या होता है। फोटो डिसोसिएशन को समझने से पहले ये समझो कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। देखो एक बॉन्ड है वो बना हुआ है, मान लो ये मेरा बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में। अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बात क्या है कि जो बॉन्ड एनर्जी है ना, उसके जो यूनिट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम बॉन्ड एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, पर मोल के लिए करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या बनती है, किलो जूल पर मोल, या कई बार जूल पर मोल भी दिख जाती है, जनरली किलो जूल पर मोल होता है। मतलब बात समझने वाली क्या है इसमें, कि ये पर मोल के लिए डिफाइन होती है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें। तो बात आ रही है फोटो डिसोसिएशन का क्या यूज है इसमें। देखो बॉन्ड मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर हम एक कोई फोटोन उस पर घेरे जिसकी अगर एनर्जी जितनी उस बॉन्ड की एनर्जी है उसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसमें हम वही यूज करते हैं, फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन क्या है, लाइट की हेल्प से हम ब्रेक करते हैं, मतलब फोटो मतलब लाइट, डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग। मतलब क्या है, हम लाइट की हेल्प से किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसमें देखो अब हमारा होगा क्या, सबसे पहली बात ये चीज पढ़ने से पहले एक बात समझ लो कि अगर मुझे एक बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे एक फोटोन चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं एक फोटोन से 10 बॉन्ड्स तोड़ दूं, मतलब एक फोटोन जो है, क्योंकि देखो वो पैकेट है, पैकेट मतलब लगा लो कि उसके एक पैकेट आ रहा है एनर्जी का, तो वो एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है। ये नहीं है कि मैं एक फोटोन लूंगा और उससे 10 बॉन्ड तोड़ दूंगा। तो ये बात ध्यान रखना, वन फोटोन कैन ब्रेक ओनली वन बॉन्ड। ये आगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर
ये एप्लीकेशन प्लैंक्स थ्योरी की थी, तो हमने और इससे रिलेटेड हमारे क्या न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हमने यहाँ पर कर ली। ये बात अभी ध्यान रखना कि जो एक फोटोन होता है वो बस एक ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो अब अगर हम पढ़ रहे हैं, देखो फोटो डिसोसिएशन, देखो सबसे पहले क्या, ब्रेकिंग ओवर केमिकल बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। अभी हमने ये चीज समझाई कि अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना है यूजिंग लाइट, फोटो मतलब लाइट। अगली बात क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड फॉर वन मोल। मैंने तुम्हें ये बात भी अभी समझाई थी कि वो हमने एक यूनिट बना रखी है कि हम पर मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि हम एक के लिए डिफाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में दे रखा होगा कि बॉन्ड एनर्जी उसकी ये है, तो उसमें उन्होंने उसकी यूनिट यही दे रखी है कि मान लो उन्होंने बोला 12 किलो जूल पर मोल है, तो मतलब क्या, वो मोल के लिए ही बॉन्ड एनर्जी को हम डिफाइन करते होते हैं, ये हमने बना रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक के लिए नहीं कर सकते थे, लेकिन हम पर मोल के लिए, क्योंकि हम क्या, मोल कंसेप्ट में भी तुमने पढ़ा होगा कि हम केमिस्ट्री में सब कुछ मोल से ही डील करते हैं, जैसे हम मोलिकुलर वेट है या कुछ भी, हम क्या बोलते हैं, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमने मोल क्यों लिया, हमने बस मान रखा है कि बॉन्ड एनर्जी की जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर मोल है, मतलब हम एक मोल के लिए ही डिफाइन करेंगे। अगली बात क्या, आगे देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब ये जो मेरा बीच में बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ना है, तो मुझे क्या करना होगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से ये दोनों बाइंड हो रखे हैं। अगर मैं उतनी एनर्जी इस पे गिर दूं, ये मेरा बॉन्ड टूट जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की भी एनर्जी उतनी हो गई तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। अगली बात देखो, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स। अभी मैंने क्या बताया, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड उसकी यूनिट जो होती है वो पर मोल के लिए डिफाइन होता है। तो अगर मुझे वन मोल को तोड़ना है, मान लो मुझे एक्स किलो जूल उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक्स किलो जूल। तो अभी मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई कि एक फोटोन जो है वो एक ही बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो अगर मेरे पास वन मोल बॉन्ड्स है तो उनको मुझे तोड़ने के लिए कितने फोटोन्स चाहिए होंगे, एन, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स का तो नंबर ज्यादा ही होगा ना। अगर एक मोल, अगर मुझे बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो वो जो एक्स किलो जूल एनर्जी है उसको मैं किसके इक्वेट कर दूंगा, NHc/λ, जो हमने प्लैंक्स थ्योरी से निकाला था एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पर भी हमने ये लिखा हुआ था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आया, ठीक है, समझ आया। तो देखो, अगर अब मुझे बोले एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड, अगर मुझे वन बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, बस यूनिटरी मेथड है, एक्स डिवाइडेड बाय एन ए, तो मेरा क्या आ जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड। अगर अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मेरे पास एक Cl2 मॉलिक्यूल है उसको तोड़ना है, तो मैं इनडायरेक्टली मुझे क्या बोल रहे हैं कि एक मुझे एक ही Cl2 का बॉन्ड तोड़ना है, तो उसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, X/Na, क्योंकि हमने क्या एक मॉलिक्यूल या एक बॉन्ड के लिए निकाल लिया, विच इज इक्वल टू Sc/λ, और उसको एक फोटोन ही तोड़ेगा क्योंकि एक बॉन्ड है, तो यहां पर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके इक्वेट कर देंगे। इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल के थ्रू तुम्हें समझाता हूं, दोनों तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा इसके अंदर, यकीन मानो। बस क्या करना है, तुम्हें पेशेंस रखनी है इसको, जब तक तुम्हारे, ये देखो जैसे जैसे तुम अप्लाई करते जाओगे तुम्हारे जो कंसेप्ट्स है वो बिल्डअप होते जाएंगे। और ये ध्यान रखना, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मान लो मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये फॉर्मूला NCERT में भी है, तो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं कर रहे वो भी इसको सोल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसका एक एफिशिएंट वे निकालना है। जैसे मैंने तुम्हें उस दिन एनर्जी का एक एफिशिएंट वे बताया था कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके कर लो, देखो उससे तुम्हारे कितनी टाइम सेविंग हुई है। तो एक तरह से लगा लो कि तुम्हें अगर उनसे कम्पीट करना है अच्छे बच्चों से, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जहां से क्वेश्चन मिले करो, ना समझ आए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ClCl बॉन्ड इफ हैविंग बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू 1.204 किलो जूल पर मोल। देखो अब हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत इजी है, हमें क्या करना है, देखो उन्होंने यहां पर तुम्हें हिंट दे दिया कि हमें एक Cl Cl बॉन्ड को तोड़ना है,
तो अगर मेरे एक सीएलसीएल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम क्या फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो हम एक फोटोन गिरने पर एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला था? देखो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक्स बाय एन ए इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो एनर्जी मुझे दे रखी है ये रही, एन ए मुझे पता है क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, एच पता है मुझे, सी पता है, लैम्डा निकल जाएगा कैसे, देखो एक्स क्या है 1.204 किलो जूल पर मोल, किलो जूल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में, क्योंकि हमें एनर्जी ऐसा यूनिट मतलब जनरली क्या लेते हैं जूल। देखो तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से डिवाइडेड बाय एन ए 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इधर आ जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 1.204 इंटू 1000। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो एक तो ये मेरे पास ये मेथड हो गया सोल्व करने का, ठीक है। अब दूसरा मेरा मेथड क्या है, मैं क्या कर सकता हूं इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, हम एक रिलेशन देखेंगे, वो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या पर मॉलिक्यूल, हम किस बारे में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को याद करने से तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत बच सकती है। देखो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड भी लगता है, इसको सोल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इसमें हमें देखो कैसे करना है इसको सोल्व, बहुत इजी है। क्या करना है देखो, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम या पर मॉलिक्यूल, यहां पर देखो ये डिपेंड करेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखो हमें क्या एक बॉन्ड तोड़ना है, वो तो मॉलिक्यूल का ही होगा, एटम का तो बॉन्ड तोड़ नहीं सकते, एक मॉलिक्यूल होगा तभी तो हम बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कम से कम दो एटम्स तो होने चाहिए। तो यहां पर मेरी क्या बात होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है एक एटम में से, फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1, मतलब अभी ये आगे समझाऊंगा, मान लो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है एक एटम में से, समझ लो ठीक है। तो उसकी मेरे को मान लो यूनिट दे रखे किलो जूल पर मोल, अब मुझे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो हम एटम की बात कर रहे हैं और उसी की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, वो स्पीशीज पर डिपेंड करेगा। अब देखो यहां पर मेरी ये चीज, ये रिलेशन आ गया, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो अभी ये मेरा क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा आया था। यहां पर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, ये मेरा क्या है किलो जूल पर मोल में, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड में या पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या कर लिया, मोल से मॉलिक्यूल में आ ही गया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मेरा इनडायरेक्टली अपने आप ही क्या आ जाएगा। अब मुझे क्या है, मुझे ये दे रखा है 1.204 किलो जूल पर मोल। अब देखो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, 96 किलो जूल पर मोल किसके इक्विवेलेंट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/96 किलो जूल पर मोल। तो अगर मुझे क्या निकालना, 1.204 किलो जूल पर मोल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.204 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बस अब हो गया हमारा काम, कितना आसान हो जाएगा 1.204 बाय 96, और मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या होता है 1240, अगर नैनोमीटर में तुम निकालना चाह रहे हो तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 96 इंटू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या हो जाएगा 1.20। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली किसमें आ जाएगा, नैनोमीटर्स में। तो जैसे ऑप्शंस में जो तुम्हें दे रखा होगा सब मीटर्स में दे रखे है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो जैसे भी है, और इसका जो आंसर है अगर हम मीटर में निकाल रहे हैं तो हमारा लगभग आ रहा है 99.6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर आएगा इसका, तो इसका भी लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैंने तुम्हें बताया था ये जो वैल्यू होते हैं वो हम अप्रोक्स लेते हैं,
तो हमें क्या करना है, आंसर लगभग तो सेम ही आएगा, लेकिन देखो इसमें कितना कम टाइम लगेगा सोल्व करने में, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि तुम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर रहे हो। ठीक है, अब हम इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जो भी मैंने रिलेशन बताया है उसको याद रखना, अभी तक हमने दो रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, एक क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, और दूसरा क्या रिलेशन पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। इन दोनों रिलेशंस को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक वैरायटी का क्वेश्चन तो कर लिया, अब दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स required to dissociate one mole Cl2 into chlorine atoms if bond energy is 1.204 kilojoule per mole and lambda is 2000 angstrom। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें पहचानना है कि उन्होंने क्या बोला है, हम एक मोल Cl2 की बात कर रहे हैं या एक एटम की बात, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल Cl2। तो यहां से बस पकड़ लो, 1 मोल Cl2 पकड़ लिया तो सीधा हमारा क्या बन गया, NHc/λ which is equal to किसके इक्वल हो जाएगा, 1.204 किलोजूल पर मोल। इसको सोल्व कर लो तो N मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 1.204 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जूल में करने के लिए, इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कर लिया, डिवाइडेड बाय, अब और क्या बचा, 6.6 इंटू 10^-34 इंटू 3 इंटू 10^8। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर लगभग आएगा 0.12 इंटू 10^22। ठीक है, सोल्व कर लेना।